मेरा तो यही कहना है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मीटिंग लेने के लिए, और हमारे साथ दिलीप जी साहब थे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की बोर्ड बनेगा और भारी मतों से कांग्रेस विजय होगी। प्रधान में भी मतलब कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, प्रधान भी कांग्रेस का बनेगा और जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा। जो मैं अभी क्षेत्र में चुनाव के लिए घूमी हूँ तो मुझे पता चला कि बहुत स्थिति दयनीय है, पानी की देखो, रोडों की देखो। तो मैं उन सब के मेरा यही है, ध्येय यही है कि मैं बस जनता की सेवा करूँ और जनता के बीच में रहूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। बिल्कुल सही बात है, कारण के मतलब ये समाज सेवी है और कांग्रेस में मतलब हमारे खून में रग रग में कांग्रेस है। और अशोक जी ने सहदेवी राजपूत को जिला परिषद सदस्य का, दिलीप चौधरी साहब ने जिला परिषद सदस्य का टिकट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ और भावना से कहता हूँ कि बिल्कुल 101% श्रीमती सहदेवी राजपूत कांग्रेस जिला परिषद जीतेगी। देखो सर, मैं अभी जगह जगह सारे पूरे मेरे जितना क्षेत्र आता है मैं चारों तरफ घूमी हूँ और मुझे चारों तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा है जो बीजेपी के लिए प्रचार दिख रहा है, मोदी की लहर दिख रही है, और मुझे 100% विश्वास है कि ये 33 नंबर की जिला परिषद की सीट है वो बीजेपी की ही होगी। दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है और आप सब जानते हो। आज दरअसल मैं पंचायत चुनाव यात्रा को लेकर जिला परिषद के वार्ड संख्या 33 में मौजूद हूं, जहां इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है। दरअसल इस बार इस चुनाव महासमर में कांग्रेस की ओर से जो 33 नंबर का टिकट दिया गया है, श्रीमती सायरी देवी राजपुरोहित है, जो मोरे ग्राम पंचायत के अपने ज़माने में सरपंच रहे और वर्तमान में उनके पति भी श्री देवी सिंह जी जो समाज सेवी जो सरपंच है, और इनके सामने श्रीमती आशा कुमाऊत है। बताना चाहूँगा कि आशा कुमाऊत गत सरपंच का चुनाव हार चुके हैं। तो बहरहाल बात करते हैं, देवी सिंह जी से बात करते हैं, हालांकि बात तो इनकी धर्मपत्नी से करना चाहिए लेकिन परिवार में कुछ गमगीन मौन होने के कारण आज बात इनसे, चूँकि जो कुछ भी करना है, आप जनप्रतिनिधि भी है, आप सरपंच भी है, बेहतर लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए कांग्रेस की विचारधारा से, तो सर से मैं जानना चाहूँ, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा, आप 33 नंबर का टिकट लेने में कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, थैंक यू सर। सर मैं जानना चाहूँगा, आप सरपंच हो, राजनीति से वाकिफ हो, समस्याओं से भी वाकिफ हो, बहुत लंबा चौड़ा वार्ड है ये 33 नंबर जिला परिषद का, मजबूत दावेदार उतारे आपके सामने श्रीमती आशा कुमाऊत को, क्या आपको उम्मीद है आप जीत जाओगे? मेरी तो जबरदस्त और भारी मतों से विजय होगी, ये मेरी इच्छा है और माँ चामुंडा माता मेरी इच्छा पूर्ण करेगी। और मैं सब जगह जो मीटिंगों में गया, साहब हमारे साथ थे दिलीप जी चौधरी साहब, तो हर जगह माहौल कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस का माहौल ही बना हुआ है और भारी मतों से श्रीमती सायरी देवी राजपूत विजय बनेगी। प्रेस साहब मैं जानना चाहूँगा, आपको तो शायद पता नहीं है लेकिन हम फील्ड में रहते हैं, जगह जगह हम जाते हैं, श्रीमती सायरी देवी जी का नाम जिला प्रमुख के प्रत्यक्षी के रूप में भी सामने आ रहा है, ये मैं बताना चाहूँगा, आपको शायद पता नहीं है, पता होगा तो भी आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये कहाँ तक सत्य है? अगर कांग्रेस का बोर्ड तो बनेगा ही, पूर्ण विश्वास है मेरे को, और अगर बोर्ड बन गया तो वास्तव में आपकी बात सच्चाई है और जिला प्रमुख की तैयारी करेंगे और बनेंगे। शायद पार्टी ने संकेत दिया है नेताओं को, आप भी अंदर खाने में एक बात चल रही है कि श्रीमती सायरी देवी सशक्त दावेदार है, इस पाली जिले में जितने भी वार्ड है, जिला परिषद के वार्ड है, इस वार्ड में सायरी देवी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, कारण के मतलब ये समाज सेवी है और कांग्रेस में मतलब हमारे खून में रग रग में कांग्रेस है, और अशोक जी ने सायरी देवी राजपूत को जिला परिषद सदस्य का, दिलीप चौधरी साहब ने जिला परिषद सदस्य का टिकट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ और भावना से कहता हूँ कि बिल्कुल 101% श्रीमती सायरी देवी राजपूत कांग्रेस जिला परिषद जीतेगी और जिला प्रमुख की तैयारी करेंगे और जैसे अशोक जी की आज्ञा होगी वैसा काम करेंगे।
क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने में एक बात यह है कि अधिकतर हालांकि सर समाज अपनी अपनी विचारधारा, लेकिन बहुत विचारधारा भाजपा के साथ राजपुरी समाज की विचारधारा अधिकतर भाजपा में, हालांकि कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता है राजपुरी समाज के। मगर एक ऐसी बात है, देवी सिंह राजप्रीत और श्रीमती सायदेवी राजप्रीत एक ऐसी नेता है कि राजप्रीत सभा ने बोल दिया कि अगर सायदेवी राजप्रीत खड़ी हो गई है जिला परिषद में कांग्रेस से तो कंप्लीट तालकिया मोराई टोंगड़ा बलाड़ा घोड़ावाड़ जहाँ जहाँ राजप्रीत समाज है पूरा कंप्लीट कांग्रेस को वोट देगी साहब। पूरे सौ मैं जानना चाहूँगा, एक आपके मुरई में एक वार्ड है जहाँ भाजपा ने एक राजप्रोहित जी को टिकट दिया, वो क्या तालमेल रहेगा, क्या आपके समाज के एक तबका है जो भाजपा को वोट देगा या कांग्रेस को वोट देगा, दुविधा रहेगी आपके समाज के लिए, दुविधा रहेगी मतदाताओं के लिए? नहीं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, मगर होगी तो भी मतलब थोड़े बहुत हो सकता है उनको देंगे क्योंकि राजप्रीत की महिला है, और मगर जिला परिषद में हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों राजप्रीत की जो पौड़ियाँ हैं कंप्लीट सायदेवी राजप्रीत की वोट देगी। प्रवीण साहब मैं जानना चाहूँगा, आप लंबे समय से अपनी धर्मपत्नी के चुनाव प्रचार में लगे हो, क्या स्थिति है इस जैतारण इलाके में कांग्रेस की, कम से कम आपके वार्डों में जो 8-10 वार्ड आते हैं उसमें क्या स्थिति है कांग्रेस की? मेरा तो यही कहना है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मीटिंग लेने के लिए, और हमारे साथ दिलीप जी साहब थे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बोर्ड बनेगा और भारी मतों से कांग्रेस विजय होगी, प्रधान में भी मतलब कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, प्रधान भी कांग्रेस का बनेगा और जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा, और हम भी पूरे प्रयास करेंगे। प्रवीण साहब के बारे में बताना चाहूँगा, आप दानदाता है, समाज सेवी है, सरकार के पैसे आए या नहीं आए, आप खुद की जेब से पैसे खर्च करके भी इस क्षेत्र का विकास कर सहित आपने विद्यालय बनवाया या पानी की क्या व्यवस्था की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा है, जो हमारे माता पिता का नाम का मातु श्रीमती रुकमा भाई रणछोड़ सिंह जी राजवीस प्राथमिक संस्कृत बालिका विद्यालय मोरई में मैंने हमारे पैसों से, खुद के निवेश पैसों से मैंने एक भवन बनाया स्कूल का, और वो अभी मतलब चल रहा है, वो मैं सरकार के पैसों की राह देखी नहीं और मतलब हमने स्कूल बना दी, और यहाँ संतोष दुणा पे मतलब मैंने मेरे पैसों से ट्यूबवेल खोदा के लाइन बिछा के खेली कोटा बना के ज़बरदस्त पानी की सुविधा कर दी। अब वो अमाउंट तो मैं कहूँ उन इलाकों में मतलब सुविधा बड़ी टॉप की कर दी हमने, और जगह जगह पशुओं के खेलों के लिए जगह जगह स्कूलों में मतलब कई दिया, एक ही कहने का कोई मतलब नहीं, बाकी मेरे हिसाब से मैं तो करता रहूँगा और करूँगा और करते रहेंगे। एक मज़ेदार किस्सा और बताना चाहूँगा इनके बारे में, गत चुनाव थे सरपंचों के चुनाव थे, मैं चुनाव कवरेज में आया, आप पति और पत्नी दोनों आमने सामने थे, वो ऐसा क्यों है, धर्मपत्नी जी हार गए थे उस समय, आप जीत गए थे? बिल्कुल सही बताया आपने, हमने वो निशान के लिए ऐसा बनाया था कि अपना कैमरा अगर निशान आ जाए सरपंचों में तो उस हिसाब से हमने मतलब हमारे परिवार के 2-3 नाम डाले थे, बाकी आमने सामने कोई बात नहीं थी। लेकिन उस बैलेट में तो आप आमने सामने थे, सरकारी रिकॉर्ड में आमने सामने थे। हाँ बिल्कुल आमने सामने थे, खाली वो निशान के लिए हमने ऐसा किया था सब। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे, इसे कांग्रेस के तमाम जैतारण इलाके के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही मतदाताओं निवेदन करता हूं कि कांग्रेस को भारी मतों से वोट देकर जितावें, और सरकार बनेगी तो आज अपने मुख्यमंत्री जी अशोक जी वहाँ जयपुर में है, और अपने को मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो विकास ही विकास होगा। तो ये थे श्रीमती सायरी देवी जी राजप्रीत, जो इस जिला परिषद के 33 संख्या वार्ड संख्या से जिला परिषद के कांग्रेस के दावेदार है, इन दिनों चुनावी चौपाले जगह जगह सजा रहे, गर्मी के तरह इनको इन दिनों शायद पसीना आ रहा होगा, ये अलग बात है बता नहीं रहे, लेकिन मुकाबला रोचक बना हुआ इनके सामने। आशा जी कुमाऊत है, वो भी सरपंच का चुनाव लड़ चुके, अनुभवी है, पढ़ी लिखी है, तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीति में कई लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव हारने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, हर बार फौलादी इरादा रखते हुए जनता की
सेवा करने के उद्देश्य के लिए राजनीति में रहते हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो गत सरपंच का चुनाव आप मामूली मतों से पराजित होने के बावजूद भी आप निराश नहीं हुए। दरअसल नाम ही इनका आशा है तो इसलिए निराशा होने की आवश्यकता है ही नहीं। तो बताना चाहूँगा कि वार्ड संख्या 33 के जिला परिषद सदस्य के रूप में श्रीमती जी आशा जी कुमुद है जिनको भाजपा ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। आशा जी का स्वागत है। धन्यवाद खान साहब, आप हमारे यहाँ नमाज में पधारे। आशा जी मैं जानना चाहूँगा आप सरपंच के चुनाव हारने के बावजूद भी आप निराश नहीं होकर फिर वही चुनावी मैदान में। खान साहब आपको मैंने पहले भी बताया था कि हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और मैंने ये भी बोला था कि मैं चुनाव चाहे जीतूं चाहे हारूं तो भी मैं जनता की सेवा करूंगी और ये मुझे पार्टी ने इसलिए राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे एक बार और मौका दिया कि जनता की सेवा करने के लिए और मैं करती रहूँगी चाहे इसमें मैं चाहे हारूँ चाहे जीतूँ वो कोई नहीं मायने रखता है। आशा जी मैं कहना चाहूँगा आपके सामने दमदार प्रत्याशी उतारा है कांग्रेस ने श्रीमती सायरी देवी राजपुरोहित जो वो भी सरपंच रह चुके हैं और उनके पति भी सरपंच है। कैसे क्या मुकाबला कर पाओगे? लंबा चौड़ा इलाका है, लगभग 8 वार्ड है, 60,000 से अधिक मतदाता है आपके वार्ड में। देखो सर मैं अभी जगह जगह सारे पूरे मेरे जितना क्षेत्र आता है मैं चारों तरफ घूमी हूँ और मुझे चारों तरफ से ज़्यादा है जो बीजेपी के लिए प्रचार दिख रहा है, मोदी की लहर दिख रही है और मुझे 100% विश्वास है कि ये 33 नंबर की जिला परिषद की सीट है वो बीजेपी की ही होगी और मैं तो ये कहती हूँ कि पूरे पाली जिले के 33 वार्डों में ही बीजेपी की जीत होगी क्योंकि मोदी जी ने इस तरह से काम किया है कि उसके कारण ही ये पूरी बीजेपी की लहर छाई हुई है चारों तरफ से। आशा जी मैं जानना चाह रहा हूँ निम्बाज के लोग आपको याद करते हैं, बहुत सारे लोग याद करते हैं, क्या व्यवस्था है इस निम्बाज ग्राम पंचायत की जो आप बतौर एक विपक्ष के रूप में चूंकि आप चुनाव हार गए थे तो आपकी लगातार इस निम्बाज पर नजर है, क्या व्यवस्था है निम्बाज ग्राम पंचायत की? अभी निमाज ग्राम पंचायत की व्यवस्था पूरी चारों तरफ से पूरी बिगड़ चुकी है और लोग इतने पछता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और अब वो सारे जो आते हैं कि मैडम हमारे ये परेशानी है इस तरह से हमारी सफाई नहीं हो रही है लेकिन मैंने पहले वो अब वो जो अवसर निकल गया लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है पूरी मैं उनकी हेल्प करती हूँ, उनका काम करवाती हूँ। आपको उम्मीद है जीत की? मुझे 100% उम्मीद है कि मैं 100% इस 33 जिला परिषद 33 वार्ड में मैं इसमें विजय होंगी और बड़ी भारी मतों से हमारी विजय होगी। आपकी नज़र कहीं जिला प्रमुख पद पर तो नहीं है? देखिए सर पहले ये जिला परिषद अगर हमें राष्ट्रीय पार्टी अवसर देगी तो निश्चित रूप से होगा ये बात की बात है सर। मैं जानना चाहूँगा स्थानीय नेताओं का सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा, भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता उनका सहयोग आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मेरे पहले भी सरपंच चुनाव में जब मैं हार गई तो अब उनकी पूरी सहानुभूति मेरे प्रति है और वो सब मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं और उन मेरे से ज़्यादा वो उनको चिंता है कि हमारे कैसे भी करके इस पार्टी में इस उम्मीदवार की जीत दिलानी है, भारी मतों से विजय दिलानी है। आशा जी मैं निम्बाज की कई गलियों में घूमा, मेरा कैमरा बंद था, मैंने लोगों के नजब टटोलने का प्रयास किया तो उन्होंने ये कहा आशा जी को थोड़ा विश्राम करना चाहिए, आपने बहुत जल्दबाजी कर दी चुनाव लड़ने के लिए, बोले थे कि आने वाले चुनाव सरपंच के चुनाव में और मौका दे देते थे। पर सर जब राष्ट्रीय पार्टी ने हम अवसर दिया और बोला कि नहीं आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए तो चुनाव तो लड़ना ही था सर, अवसर तो क्योंकि जनता की सेवा करनी है इसमें बैठना तो है ही नहीं है। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे, अपने इलाके के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे क्षेत्र में जितने भी मतदाता आते हैं उनको मेरी अपील है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप 27 तारीख को वार शुक्रवार को सारा काम छोड़ के जो भी है जरूरी काम छोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें बीजेपी के पक्ष में और भारी मतों से विजय दिलावे। मेरे भाइयों बहनों माताओं बहनों और सबको मेरी हाथ जोड़कर विनती है और मेरे प्रवासी भाइयों बहनों को भी उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप
यहाँ मतदान करवावे, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और मेरा सहयोग करे और मुझे पूरा सपोर्ट करे, ताकि अपने आने वाले टाइम में अच्छे से मैं पूरे गांव का, पूरे प्रदेश का, मेरे क्षेत्र में आने वाले का पूरे से पूरे मैं विकास करा सकूं। जो मैं अभी क्षेत्र में चुनाव के लिए घूमी हूँ, तो मुझे पता चला कि बहुत स्थिति दयनीय है, पानी की देखो, रोडों की देखो। तो मैं उन सबके में मेरा यही है, ध्येय यही है कि मैं बस जनता की सेवा करूँ और जनता के बीच में रहूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। आशा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों के जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे फैन हैं, और इनके भी सहित रिश्तेदार हैं, बहुत सारे फोन आए कि सर आप आशा जी से बातचीत करिए, तो आज आशा जी मेरे साथ थे। मैं जानना चाहूँगा, कम शब्दों में जानना चाहूँगा, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, आप चुनाव जीते, मेरी ओर से आपको भी शुभकामनाएँ और सायरी देवी जी को भी शुभकामनाएँ, मेरे लिए दोनों बराबर है। सबसे पहले तो खान साहब धन्यवाद, आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। मेरी इस चुनाव से पहली प्राथमिकता रहेगी कि घर घर नाली की, घर घर नल की व्यवस्था, घर घर पानी की व्यवस्था, क्योंकि मैंने मेरी बहनों को देखा है, इतनी परेशान होती है पानी के लिए, कभी कभी छोटे मोटे बातों के लिए विवाद भी हो जाता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता सर यही रहेगी कि घर घर, जितना भी क्षेत्र आता है पूरे पाली क्षेत्र के अंदर, घर घर नल की व्यवस्था करना मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी, और इसके लिए मैं खुद जहाँ पर भी मुझे जाना पड़ेगा मैं काम करवाऊंगी। तो ये थी बहन आशा कुमाऊ, जो बताना चाहूँगा, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जिला परिषद के वार्ड संख्या 33 के भाजपा के उम्मीदवार है, इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती सायरी देवी राजप्रीत है। सायरी देवी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के रूप में वो जिला प्रमुख का चेहरा, ये अलग बात है चुनाव कौन जीते कौन हारे, लेकिन इसे चुनावी इसे बिसात में सर्दी के इस मौसम में दोनों को ही पसीना आ रहा है। मैडम पसीना तो आ रहा होगा? पसीना नहीं आ रहा, 100% हमारी जीत होगी, और मैं ये खान साहब आज कहती हूँ कि हमारे बीजेपी का ही प्रधान बनेगा और बीजेपी का ही जिला प्रमुख बनेगा, इसमें पसीना आने की कोई बात नहीं है 100%, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में जहाँ घूमी हूँ चारों तरफ हमारी बीजेपी की लहर छाई हुई है सर। और मैं ये कहती हूँ कि अब आने वाले टाइम में जो मैं आप पानी वाली समस्या बता रही हूँ, मोदी जी एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, उससे घर घर नाली, घर घर नल का जो होगा वो पानी की सुविधा होगी उसके अंदर। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं जल्दी आपके सामने एक नए वार्ड को लेके आऊँगा। बहरहाल बने रहे, तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद। मैं आईबी खान, जेता न्यूज़ के लिए धन्यवाद।